not a game. It's a rage thing. गुड मॉर्निंग गाइस, सदर बाजार की हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि सदर बाजार किस लिए फेमस है, बट जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि सदर बाजार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जो कि दिल्ली में पड़ती है। 30,000 मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। यहां से आप चीजें बल्क और रिटेल में दोनों में खरीद सकते हो, वो भी बहुत सस्ते प्राइस पे। कॉस्मेटिक में आपको मल्टीपल ऑप्शंस जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप मार्केट में एंट्री करोगे ना, लिपस्टिक नेल पेंट तो ऐसे मतलब ठई लगी होती है, इनके पास पूरी क्रेट रखी होती है। लिपस्टिक वगैरह आपको 120 की रेंज में इस तरीके की मिल जाएंगी। ग्रीन वाली आपको 90 रुपीस में मिलेगी और जो फ्रंट वाली थी वो आपको 50 रुपीस की वन पड़ने वाली है। 360-540 इस तरीके से ये डब्बा देते हैं। बट जो लिपस्टिक की क्वालिटी रहती है ना, उस पर प्राइस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। रबड़ बैंड्स में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी, छोटे मोटे पतले, जिस भी तरीके के आपको रबड़ बैंड पहनना पसंद है ना, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 20-20 रुपए में आपको पूरा पैकेट मिल जाता है अगर आप बल्क में चीजें खरीदते हो तो। नेक पीस अगर आपको सिंगल लेयर में चाहिए ना, 30 रुपीस में आपको इस तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये वाले जो भैया थे ना, जैसे आप मिठाई चौक से अंदर की तरफ एंट्री करोगे ना, स्टार्टिंग में ये बैठे हुए थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। सेफ्टी पिन अगर आपको चाहिए है तो ये सेफ्टी पिन का पूरा पैकेट 10 रुपए का दे रहे थे। नॉर्मली सेफ्टी पिन तो सेम प्राइस पे आपको शॉप पे भी मिल जाएगी। अगर आपको पायल्स वगैरह भी चाहिए अपने लिए, गर्लिश लुक में कुछ देख रहे हो तो आप इस तरीके के एंकलेट्स ले सकते हो। 20 रुपीज़ इनका प्राइस रहता है, नॉर्मली ये 50 रुपीज़ या 30 रुपीज़ में आपको शॉप पे देखने को मिलेगी। इस तरीके की चीज़ें आप सिंगल सिंगल पीस भी ले सकते हो, 5-6 पीस भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ की शॉपिंग करनी है। अगर आप 5,000-7,000 इन्वेस्ट करने आए हो सदर बाज़ार में, तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आप शॉप से ही शॉपिंग करें, काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाली जो पायल थी ये 30 रुपीज़ की थी, इनका प्राइस थोड़ा सा अलग था। 30-30 रुपीज़ में आपको इस तरीके की कलरफुल पायल्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग चांदी जैसी जो पायल दिखती है ना, वो पहनना प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ गर्लिश लुक में पहनना पसंद करते हैं। अगर आपको हेयर बैंड्स वगैरह चाहिए, 50 रुपीज़ में आपको इस तरीके का पूरा पैकेट हेयर बैंड्स का मिलेगा। इसमें आपको मल्टीपल बीड्स मिल जाएंगे, ब्लैक में चाहिए, रेड में, पिंक में, आपको जो भी कलर चाहिए ना आपको इधर मिल जाएगा। मल्टीपल बीड्स में चाहिए तो वो भी इनके पास ऑप्शन थे। ब्लैक वाला जो है ना, ये वाला आपको 40 रुपीज़ का पड़ेगा। तो जो हेयर बैंड्स थे ना, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे, ये आपको 80 रुपीज़ का पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीज़ खरीद रहे हो। नॉर्मली 40 रुपीज़ में आपको इस तरीके के हेयर बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे। अगर आपको अपने शॉप के लिए शॉपिंग करनी है ना, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते, और इनको आप इतने अच्छे मार्जिन के साथ बेच सकते हो। 90 रुपीज़ में आपको इस तरीके के जो रबड़ बैंड रहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, वो आपको मिल जाएंगे। 100-100 रुपये में बैग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आए। ये पूरी की पूरी सेल 100 रुपीज़ की थी, आप इसमें से कोई भी बैग लीजिए आपको 100 रुपीज़ का पड़ेगा। स्पेशली जो मैंने आपको कैरी बैग स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इस मार्केट की एक प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी और उसी हिसाब से गर्मी भी बढ़ती जाती है। तो अगर आपको सदर बाज़ार आना है ना, तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप अर्ली मॉर्निंग आइए, लाइक आप 8:30 मार्केट पहुँच जाइए और तब शॉपिंग करना स्टार्ट करें, और 11-12 बजे तक यहाँ से निकल लीजिए। ये वाला बैग भी काफ़ी सही था, इसमें पॉकेट भी काफ़ी सारी थी। इसका प्राइस जो था ना, वो भी 100 रुपीज़ था। इयररिंग्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको सिंगल सिंगल पीस लेना है तो आपको वही प्राइस मिलेगा जो नॉर्मल मार्केट्स में रहता है, 50 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। छोटी वाली आपको बालियाँ मिल जाएंगी, बड़ी वाली झुमकियाँ मिल जाएंगी। अगर आप उससे भी ज़्यादा बड़े डिज़ाइंस पे जाते हो, जैसे ये वाले, ये सब आपको 100 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आप ऐसा ना सोचे कि जितनी भी मैं आपको इयररिंग्स दिखा रही हूँ सब 50 के थे, कुछ इयररिंग्स थे जिनके प्राइस अलग थे। आपको 30-30 रुपीज़ में ना और 20 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे क्लचर्स के पैक मिल जाएंगे। जो नीचे वाले वो सब 20 रुपीज़ के हैं, ऊपर वाले आपको 30 और 40 रुपीज़ में मिल जाएंगे। वो भी सोचो पूरा का पूरा पैकेट, अगर आप 10 रुपये का भी इसको सेल करते हो ना, तो आप सोचो इससे डबल आप कमा लेते हो, जिसमें आपका फेयर भी निकल जाता है, आपके एफर्ट्स भी निकल जाते हैं और आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। तो अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट मार्केट है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, वो भी इतने सस्ते प्राइस पे।
और मैंने सदर बाज़ार की इतनी सारी वीडियो बनाई है, कुछ कुछ वीडियो मैंने स्पेशल शॉप्स के ऊपर भी बनाई है कि आपको आइडिया लग जाए कि शॉप से अगर आप शॉपिंग करते हो तो चीज़ें आपको किस तरीके की पड़ेंगी। क्लचर्स वगैरह के मैंने आपको प्राइस बता दिया, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। 40 रुपीज़ में आपको इस तरीके के मल्टीपल जो क्लचर्स रहते हैं ना वो आपको मिल जाएंगे। मंगलसूत्र में भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जो इस तरीके के मंगलसूत्र रहते हैं ना वो आपको 120 रुपये के एक दर्जन मिल जाएंगे अगर आप बल्क में चीज़ें ले रहे हो तो। अगर सिंगल सिंगल पीस लेना है ना तो ये सब आपको 40 और 30 रुपीज़ की रेंज में मिलेगा। जितनी भी चीज़ें आपको मैं नीचे की तरफ दिखा रही हूँ ना ये सब बल्क में थी। 60 रुपीज़ के आपको बहुत सुंदर सुंदर एयर रिंग्स के गुच्छे मिल जाते हैं। रिंग्स में भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सब आपको ना 20-20 रुपीज़ में मिलेंगे। बट जो ये वाले भैया थे ना उन्होंने बोला कि वो रिटेल में नहीं देंगे, वो सारी चीज़ें बल्क में देंगे और जो बल्क में ज़्यादा माल खरीदेगा उनके लिए प्राइस भी अलग रहेंगे। देखिए ऑप्शंस तो इनके पास बहुत सारे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने तक का माल खरीदना है या फिर आपको पर्सनल यूज के लिए शॉपिंग करनी है। जो ये आपको सनग्लासेस दिख रहे हैं ना ये यहाँ पे 10-10 रुपए में आपको मिल जाएंगे। नेल पेंट में भी आपको मल्टीपल क्वालिटी मिलेगी। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप शॉप स्टार्ट कर रहे हो और आपको अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए ना तो आप अंदर की जो शॉप है गांधी मार्केट में या रूई मंडी में जो अंदर की तरफ है ना वहीं से शॉपिंग करें, आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। रोड साइड पे मेरी नज़र ना इस भीड़ की तरफ पड़ी, यहाँ पे लोग ना बहुत सारे इकट्ठा हो रखे थे। फिर मैंने भी देखा कि जाके देखती हूँ कि भाई ऐसा क्या मिल रहा है जो लोग इतने खड़े हुए हैं। ये जो टी शर्ट्स थी ना ये 500 रुपये की 12 टी शर्ट सेल कर रहे थे। और कपड़े की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अपनी हाउस ड्रेसेस होती थी ना स्कूल में वैसा वैसा इनका कुछ कपड़ा था। कलर बहुत सारे थे और स्टफ जो था ना वो ओके टाइप था। आप ये नहीं बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टफ था, बट हाँ 500 रुपये में काफी सही थी। बैंगल्स वगैरह इधर आपको 20-20 रुपीज़ में मिल जाती है। चाहे आप ये वाली नॉर्मल मार्केट से लो, मतलब सदर बाजार की स्टार्टिंग वाली गलियों से लो, रुई मंडी से लो या गांधी मार्केट से लो, आपको 20 रुपीज़ में बहुत सारी जगह सेम क्रेट में इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कांच की थी ये चूड़ियाँ तो कांच में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बिंदियों के बहुत सारे ऑप्शंस थे और वो भी 30 रुपीज़ में आपको एक दर्जन पैकेट्स मिल जाते हैं। बट जो पैकेट के डिज़ाइन रहते हैं बिंदियों के जो डिज़ाइन रहते हैं वो इस तरीके के रहते हैं, तो आप ना छाट छाट के इसमें से 12 पैकेट ले सकते हो और इनको 30 रुपये दे सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी खरीद सकते हो, क्योंकि बिंदिया तो ऐसी चीज़ है जो मतलब डेली यूज़ में यूज़ होती ही होती है। और अगर आप 12 पैकेट भी ले लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि वो यूज़ में नहीं आएंगी या ख़राब हो जाएंगी। और बहुत सारे लोगों को तो बिंदियों का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एक शॉप थी जिसपे पूरे के पूरे आपको हैंडबैग्स मिलेंगे। जो इस तरीके के बैग रहेंगे ना वो आपको 150 की रेंज में मिल जाएंगे। नॉर्मली जो इनके पास बैग थे ना वो इसी क्वालिटी के थे, मतलब नॉर्मल वाली जो क्वालिटी रहती है ना डेली यूज़ वाली वो थी। अगर आपको सिंगल बैग भी चाहिए ना तो इस तरीके के बैग आपको रोड साइड पे देखने को मिलेंगे। कलर इनके पास बहुत सारे थे, तो अगर आपको बल्क में भी बैग्स चाहिए ना उनके लिए अलग प्राइस रहते हैं, वो वीक डेज में आप जा सकते हो। आज के दिन क्या रहता है ना जब आप संडे के दिन जाते हो तो ये अपनी शॉप ओपन करते हैं रिटेल के लिए। तो अगर आप सिंगल सिंगल पीस खरीदोगे ना तो आपको इस तरीके के बैग 150 रुपीज़ के पड़ेंगे। मल्टीपल कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो डिज़ाइन रहते हैं ना वो थोड़े कुछ अलग अलग रहते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें इधर से खरीद सकते हो। सदर बाज़ार में जब भी आएँ एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ किस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना अपने पर्स का, अपने फ़ोन का। यहाँ पे चोरी इतनी सफाई से होती है ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा किस टाइम पे आपका पर्स चोरी हो गया या आपका फ़ोन चोरी हो गया। ये चीज़ मैं क्यों इतने ज़्यादा उससे बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत बार लोगों को बोला था जब भी आप जाएं मार्केट में पॉकेट का और फ़ोन का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं ना रोड पे स्पेशली सदर बाज़ार में वो मैं ज़रूर बताती हूँ। और हमेशा हर संडे कहीं ना कहीं ऐसा होता है किसी का कुछ चोरी हो गया, किसी का कुछ चोरी हो गया। बैग्स वगैरह की आपको जो वैरायटी मिलेगी ना अलग अलग देखने को मिलेगी, 200, 250, 300, ये गोल्डन वाला आपको 400 रुपये की रेंज में मिलेगा। तो इस वाली शॉप पे भी आपको अलग अलग रेंज में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। स्टार्टिंग जो रेंज थी वो 150 रुपीज़ थी, 500-600 तक के इनके पास बैग थे। कड़ों में आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। ये वाले कड़े आपको 840 रुपये के एक दर्जन पड़ेंगे। इसमें साइज़ बहुत सारे थे,
एक इस तरीके के कड़े थे जो आपको 180 रुपए के एक दर्जन पड़ेंगे। 180 में ना आपको अलग अलग डिजाइन देखने को मिल जाएंगे, किसी पे कुछ लिखा है, किसी पे कुछ लिखा है, और कलर्स का भी आपको ना यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आपको रोज गोल्ड में चाहिए, गोल्ड में चाहिए, या फिर आपको सिल्वर में चाहिए है। कड़े तो बहुत ही सारे हैं, आप साइज के अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से चीजें ले सकते हो। देखिए इस पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। एक और वैरायटी थी वो सामने वाली, वो आपको 70 रुपए के एक दर्जन पड़ेंगे, सॉरी दो दर्जन पड़ेंगे। ये वाले तो 70 रुपए के दो दर्जन थे। नॉर्मली बहुत सारे लोग इस तरीके के कड़े पहनते हैं। ये वाले आपको 48 रुपए के एक दर्जन पड़ेंगे, और छोटे बच्चों के लिए इस तरीके के कड़े थे ये 50 के दो दर्जन पड़ेंगे। कड़ों में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग कलर्स रहते हैं। सिल्वर में तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर घर के लिए वॉल क्लॉक चाहिए है ना, तो आपको 450 की रेंज में काफ़ी अच्छी वॉल क्लॉक मिल जाते हैं। नीचे वाली जो थी ये 200 रुपए की थी, सामने फ्रंट वाली जैसे ये वाइट वगैरह जो बड़े में है ना, ये आपको 650 रुपए की रेंज में मिलेगी। आप थोड़ी बहुत इनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज पे आपको इस तरीके की वॉल क्लॉक इधर से मिल जाएगी। चोपर वगैरह प्याज छीलने में तो आंसू आ जाते हैं, तो अगर आपको चोपर चाहिए ये वाला आपको 120 रुपीज़ का मिलेगा। एक ये बड़े साइज़ में था, ये आपको 180 रुपीज़ का मिलेगा। इस तरीके से अंदर की तरफ धागा रहता है जिसमें आप प्याज टमाटर चॉप कर सकते हो, और अंदर की तरफ आपको 5-6 ब्लेड मिल जाते हैं। इसमें कलर आपको 2-3 मिलेंगे। जग वगैरह अगर आपको चाहिए है ना, तो ये आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा। इसके अंदर 6 गिलास रहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल था, और आपको कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। 300 की रेंज में आपको प्लाजो सेट मिलेगा जिसमें कुर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, साथ में प्लाजो आने वाला है। फैब्रिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब समर को देखते हुए तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको इधर मिल जाएंगे। मुझे तो कुर्तियाँ काफ़ी बढ़िया लगी थी, प्रिंट भी काफ़ी अच्छे थे, सिंपल सोबर प्रिंट थे। ऐसा नहीं था कि सारे आंटियों टाइप की जो कुर्तियाँ होते हैं ना, बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए कुछ ऑप्शन नहीं होते, सारे मम्मियों टाइप के ऑप्शन रहते हैं, बट इनके पास ऐसा नहीं था। सूट वगैरह आपको चाहिए ना, गाउन वगैरह आपको चाहिए, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। शरारा गरारा वाले जो सूट रहते हैं ना, जैसे ये येल्लो है या फिर पीच कलर का, वो आपको 550-600 की रेंज में मिल जाएगा। एक ये वाला कुर्ती सेट था, इसमें येल्लो कलर था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। वैसे ये भी बहुत बढ़िया लग रहा था, आप फिटिंग वगैरह करा के इनको अच्छे से डेली यूज़ में आप पहन सकते हो। येल्लो में आपको इस तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये वाला येल्लो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था। येल्लो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों है कि मुझे येल्लो कोई भी कुर्ती दिखती है ना, चाहे मैं और कोई कलर दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, मैं हमेशा येल्लो ज़रूर दिखाती हूँ। 150 के दो आपको इस तरीके के फ्लावर पॉट मिलेंगे। फ्लावर पॉट हर किसी के घर में यूज़ होते हैं, और ये वाले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और सस्ते भी थे। नॉर्मली विशाल वगैरह से आप लोगे तो ये आपको शायद 250 रुपये का या 200 रुपये का कुछ का पड़ता है, क्योंकि मैंने जब अपने घर के लिए लिए थे ना, तो मैंने विशाल से लिए थे, आई थिंक वो 200 रुपये के छोटे वाले पड़े थे। साइड में जो सबसे छोटे वाले हैं ये आपको 100 रुपये के 6 पड़ेंगे। सिंदूर वगैरह आपको यहाँ पे 60 रुपये का इस तरीके का पैकेट पड़ेगा। आप ना शॉप के लिए यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हो। 10-10 रुपए में आपको नेल पेंट मिल जाते हैं, और नेल पेंट अगर आपको क्रेट में से ख़रीदनी है ना, वहाँ पे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे 84 की एक दर्जन। 60 रुपए में ही आपको काजल मिलने वाला है। 90 रुपीज़ में आपको इस तरीके की लिपस्टिक का पूरा पैक मिल जाएगा। 100 रुपए में आपको ये हुड्डा ब्यूटी ब्रांड की जो कॉपी रहती है ना लिपस्टिक की, वो आपको मिल जाएंगी। तो ऑप्शंस की आपको कोई भी कमी नज़र नहीं आएगी। कॉस्मेटिक में तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो बिंदियाँ हो, काजल हो, मेहंदी हो, कुछ भी हो। अगर आपको चाहिए है ना, आप सदर बाज़ार आइए, आपको हर एक वैरायटी इधर देखने को मिलेगी। बड़े बच्चों की जो चप्पलें थी वो 100 रुपये में थी, और छोटे बच्चों की जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वो 50 रुपीज़ में थी। 100-100 रुपये में तो आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा चप्पलें देखने को मिल जाएगी। बाथरूम चप्पलें इधर 50 रुपये में मिलती है, और वो चप्पलें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको बाथरूम चप्पल भी चाहिए है ना, तो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। नॉर्मली जो ये चप्पलें आपको नज़र आ रही है ना, ये सब 100-100 रुपये में थी। तो ओवरऑल अगर आप सदर बाज़ार आ रहे हो ना, तो बहुत सारे आइटम ऐसे जो आप यहाँ से ख़रीद के लेके जा सकते हो। रिबन वगैरह आपको चाहिए है ना, ये सब आपको 20-20 रुपीज़ का पूरा रोल मिल जाएगा। इसमें कलर बहुत सारे थे, कलर आपके सामने हैं, आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरीके के कलर इस तरीके की सेल में आपको मिल जाएंगे। ये वाला कलर काफ़ी सही लग रहा था, ऑप्शंस बहुत सारे थे, पूरा का पूरा रोल 20 में, और क्या चाहिए भाई। नॉर्मली तो जब हम स्कूल में होते थे ना, तो रिबन चोटियों में बांधते थे, तो अगर आपको भी इस तरीके के रिबन चाहिए ना, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन और काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको मिलेंगे। 25 रुपीज़ में आपको इस तरीके के जो शगन के एनवलप होते हैं ना,
उसके लिफाफे आपको इधर मिल जाएंगे। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। सूटों का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे सूटों की काफ़ी सही वैरायटी रहती है। 500-600 रुपए में आपको पार्टी वेयर सूट मिल जाते हैं, 700-800 रुपए में आपको गाउन मिल जाते हैं। तो ऑप्शंस ना यहाँ पे मिले जुले रहते हैं। बट फिर भी अगर आपको स्पेशली सूट खरीदने हैं तो आप या तो इंद्रलोक मार्केट जाइए या चांदनी चौक जाइए।